राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति चयन परीक्षा अर्थात इसे कहते हैं NMMSS परीक्षा। इस परीक्षा में प्रश्न कहां से आएंगे, तो सबसे पहले जान लेना आवश्यक है कि इस परीक्षा हेतु कोई भी पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं है। ऐसी जानकारी दिशा निर्देश में दी गई है। दिशा निर्देश की उन पंक्तियों को यहां पर आप देख लें, ठीक है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस परीक्षा के लिए कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। फिर भी हम जानेंगे कि इस परीक्षा के लिए हमें तैयारी कहां से करना चाहिए और कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो पाठ्यक्रम की हम बात करें तो इसके बारे में हमने आपको बता दिया कि इस परीक्षा हेतु कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। आगे बात करें जो प्रश्नों का स्तर, तो प्रश्नों का स्तर क्या होगा, किस स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहां पर देखिएगा, प्रश्नों का स्तर कक्षा 7 व 8 की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के समान होगा। क्योंकि ये 8वें स्तर पर ही प्रतियोगिता परीक्षा हो रही है, तो निश्चित तौर से कक्षा 7वीं और 8वीं की परीक्षा में प्रश्नों का जो स्तर होता है वही स्तर होगा, ठीक है। आगे हम बात करें परीक्षण का प्रकार, अर्थात किस प्रकार का परीक्षण होगा। तो दो तरह का टेस्ट होना है। पहला टेस्ट है मैट यानी MAT, यहां पर देखेंगे इसका हिंदी है मानसिक योग्यता परीक्षण, ठीक है। तो इसके अंतर्गत 90 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर दूसरा परीक्षण है शैक्षिक योग्यता परीक्षण, इसे सेट कहते हैं। तो इसमें भी 90 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं यहां पर मानसिक योग्यता परीक्षण अर्थात मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इस टेस्ट के लिए कहां से तैयारी करना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए। जैसा कि ऊपर ही बता दिया गया है कि कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है, ठीक है, या कहीं से प्रश्न आएंगे ऐसा भी नहीं है। इसमें तैयारी की हम बात करते हैं मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो मानसिक योग्यता परीक्षण के लिए हमें किस तरह से अभ्यास करना चाहिए, इस पर बात करते हैं। आजकल प्रश्न पत्रों के सेट आते हैं, ठीक है, यानी अभ्यास के लिए प्रैक्टिस टेस्ट जिसे कहा जाता है। यदि ये विद्यार्थी इसको हल करते हैं तो निश्चित तौर से ऐसे विद्यार्थी अधिकतम रूप से सफल होते हैं। अभी मिलेंगे कहां, सबसे पहले देख लेते हैं यहां पर हमने क्या लिखा है कि ऐसे प्रश्नों के अभ्यास सेट जिसमें समजातता, वर्गीकरण, श्रृंखला, आकृति, अवबोधन, छुपी हुई आकृति, कोडन विकोडन, खंड समुच्चय, समस्या सुलझाने कि जैसे प्रश्न हो और इनका अभ्यास करना चाहिए। तो जैसा कि हमने बताया और दिशा निर्देश में बताया गया है कि जो जैसा कि हमने यहां पर लिखकर बताया आपको कि समजातता यानी एक समान कौन से है, भिन्न कौन सा है, इस पर आधारित जो तर्क शक्ति के प्रश्न होते हैं, ठीक है। वर्गीकरण यानी अलग करना, छाटना, ठीक है, या एक वर्ग में रखना। फिर श्रृंखला जमाना, फिर आकृति के अंतर्गत आकृति की जानकारी, कई तरह की आकृतियां होती है उसमें अगली आकृति क्या आएगी, या छुपी हुई आकृति को ढूंढना, से बहुत सारे उसमें प्रश्न होते हैं। आगे देखिए तो छुपी हुई आकृति ज्ञात करना, जैसे मैंने आपको बताया। फिर कोडल विकोडन यानी कोई बात किसी कोड कूट भाषा में लिखी हुई है तो उसी कूट भाषा पर आधारित जो दिया गया जो प्रश्न है या दिया गया जो शब्द है उसका कोड क्या होगा, ठीक है। इस प्रकार कोड को समझते हुए हमको उत्तर का चयन करना होता है। आगे खंड समुच्चय के अंतर्गत और समस्या सुलझाने से संबंधित प्रश्न होते हैं। तो ये सब कब बनेंगे, जब इनके प्रैक्टिस पेपर आप बुक डिपो से मिल जाते हैं तो वहां से खरीद कर लाएं और केवल उसका अभ्यास करना है। ये प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेंगे, यानी यही प्रश्न आएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें केवल अभ्यास है। हाँ, उसके समान प्रश्न आते हैं जब हमारा बार बार अभ्यास करते रहते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न आसानी से बन जाते हैं। गाइड वगैरह में भी आप देखते होंगे कि इस तरह के प्रश्न मिल जाते हैं, किंतु आपको गाइड की बजाय जो प्रैक्टिस पेपर है उनका ही प्रयोग करना चाहिए। आगे हम बात करते हैं शैक्षिक योग्यता परीक्षण। तो इसके अंतर्गत 3 विषय है। पहला विषय है विज्ञान, दूसरा है सामाजिक विज्ञान और तीसरा है गणित। अब इनके लिए अध्ययन कहां से करें, कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो हाँ हम इसमें कह सकते हैं कि प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। तो यहां देखिएगा पहले कि कक्षा 6, 7 व 8 की विज्ञान, सामाज विज्ञान एवं गणित से प्रश्न बनाकर पूछे जाएंगे। यानी इन कक्षाओं में जो अवधारणाएं दी गई हैं
विज्ञान के अंतर्गत, विज्ञान के अंतर्गत यानी कक्षा 6, 7, 8 में जो जो भी अवधारणाएं उनसे संबंधित प्रश्न बनाकर पूछे जाएंगे, वहां का बना बनाया कोई प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, यदि आपको अवधारणा भलीभांति, उस अवधारणा आप भलीभांति परिचित हैं तो आसानी से उत्तर का चयन कर पाएंगे। इसी तरह से कक्षा 6, 7, 8 की सामाजिक विज्ञान में जितनी भी अवधारणाएं दी गई है, जितना भी पाठ्यक्रम दिया गया है, तो वही कहीं से प्रश्न बनाकर पूछे जाएंगे। आगे गणित की हम बात करें तो कक्षा 6, 7, 8 तक जो गणित है, जो अवधारणा दी गई है, उनसे ही प्रश्न बनाकर पूछे जाएंगे। तो इनका पूरा अभ्यास हमको करना चाहिए। कक्षा 6, 7, 8 की जो पाठ्य पुस्तक है उनका अध्ययन कर ले। यदि कोई विद्यार्थी गाइड के भरोसे रहता है तो गाइड से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है, केवल वो नमूनार्थ ही वहां पर बने हुए क्वेश्चन होते हैं, उसका के प्रश्न आते हैं। हाँ, एक बात अवश्य है कि कोई विद्यार्थी कहीं से भी अध्ययन करे तो अध्ययन करने वाले विद्यार्थी को लाभ अवश्य होता है, या उसका पढ़ा हुआ उसको कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाता है, या बच्चा प्रश्न जो होते हैं उनमें सही उत्तर का चयन कर भी पाते हैं। किंतु हमने बताया कि मानसिक योग्यता परीक्षण के लिए जो प्रैक्टिस पेपर है उनका अभ्यास करना चाहिए। और दूसरे प्रश्न पत्र की हमने बात की थी, जो दूसरा टेस्ट है विज्ञान सामाजिक विज्ञान और गणित, तो कक्षा 6, 7 और 8 की जो पाठ्य पुस्तक है उनमें जो दी गई अवधारणा है उनका अध्ययन करना चाहिए। जहां पर हम देखें तो विज्ञान के 35%, सामाजिक विज्ञान के 35% और गणित के से 20% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से एमएमएमएसएस परीक्षा के लिए कहां से प्रश्न आएंगे इसके बारे में बताने का प्रयास किया है। आशा करते हैं जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।